योग वशिष्ठ का ये सूत्र कहता है जस्ट एज द ड्रीम बिकम्स अनरियल इन द वेकिंग स्टेट एंड द वेकिंग स्टेट इन द ड्रीम सो ऑल्सो डेथ बिकम्स अनरियल इन बर्थ एंड बर्थ इन डेथ ऑल दीज आर दस नाइदर रियल नॉर अनरियल, दे आर द इफेक्ट ऑफ डेल्यूजन मियर इम्प्रेशन अराइजिंग आउट ऑफ सम पास्ट एक्सपीरियंस सूत्र कहता है जैसे स्वप्न की जो स्थिति है जब हम जागते हैं तो अवास्तविक हो जाती है और स्वप्न में जागरण की स्थिति अवास्तविक हो जाती है इसी तरह से मृत्यु में जन्म अवास्तविक हो जाता है और जन्म में मृत्यु अवास्तविक हो जाती है ये सब कुछ न वास्तविक है न अवास्तविक है वस्तुतः ये हमारा ही एक आंतरिक प्रक्षेपण है भ्रम है और हमारे अतीत के अनुभवों से उपजा हुआ जगत है हर व्यक्ति जब इस संसार में आता है तो उसके पास एक तो उसकी अपनी जेनेटिक कंडीशनिंग होती है और फिर एक उसे परिवेश से मिलती है हर व्यक्ति मनुष्यता का पूरा इतिहास अपने अंदर समेटता है यानी कि उसका जो जीन है वो इतना अलग थलग नहीं है तो उसके परिवार से मिला पेरेंट से मिला वो चीज है और उसके अलावा मनुष्यता का पूरा अतीत उसमें सूक्ष्म रूप से इनबिल्ट है शामिल है अब ये पूरा जो कॉम्बिनेशन बनता है मनुष्यता का टोटल इनपुट परिवार का स्पेसिफिक इनपुट यानी कि मनुष्यता का पूरा अतीत परिवार का एक विशेष प्रभाव जो उसकी अपनी जीन में आएगा और परिवेश का उसके वातावरण का एक विशेष प्रभाव ये तीनों चीजें मिलकर एक व्यक्ति के जीवन को बिल्कुल अलग बना देती हैं और इसीलिए हर व्यक्ति में अधिकांश चीजें कॉमन हैं जो सभी में पाई जाएंगी और कुछ चीज़ें अलग हैं जो किसी में होंगी किसी में नहीं होंगी किसी में कम किसी में ज़्यादा क्योंकि जो उसने उस मनुष्यता के अतीत को अपने अंदर संभाला है उससे तो हर कोई कुछ ना कुछ शेयर करता है वही भय वही लोभ वही वृत्तियां वही संस्कार वही भुलावे वही छलावे वही उतार चढ़ाव सारे पीड़ा के और सुख के अलग अलग रंग जो कुछ भी मनुष्यता में उठे हैं गिरे हैं वो सबके अंतरतम का हिस्सा हैं तो वहां पर हर कोई कॉमन है एक समानता मिलती है लेकिन इस समानता में देशकाल परिस्थितियों के साथ साथ जो संयोग वियोग बनते रहते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कुछ नई नई चीजें भी होती रहती हैं तो वो उसकी एक अलग पारिवारिक कंडीशनिंग बनती है फिर वो एक परिवेशगत बनती तो ये सब मिलाकर व्यक्ति को जो उसका संसार दिखाई देता है वो है सूत्र कहता है कि इसको हम न वास्तविक कहते हैं न पूरी तरह अवास्तविक कहते हैं ये बात यहां पर ध्यान दीजिए बहुत महत्वपूर्ण बात है सूत्र ने यह नहीं कहा कि बिल्कुल अवास्तविक है या वास्तविक उसने कहा ना ये वास्तविक है पूरी तरह ना ये पूरी तरह अवास्तविक है हमारे ही डेलीविजन से व्यामोह से पैदा हुआ है जब हम नासमझी में खोए हैं अपनी कहानी से ग्रस्त हैं किसी नैरेटिव के शिकार हैं तो हम डिल्यूजन के शिकार हैं तो हमारे लिए एक अलग किस्म का संसार बनेगा जब हम फिक्शन फ्री हैं नैरेटिव फ्री हैं और हम अपनी कोई कहानी कसकर नहीं पकड़ते तब जीवन ही हमारे लिए अपनी रचना करता है अपना विस्तार करता है उसकी अपनी वास्तविकता है तो एकदम से सीधे किसी भी बात को वास्तविक और अवास्तविक कह देना अनुचित होगा अतीत के अनुभवों का ही किसी न किसी रूप का प्रक्षेपण किसी न किसी रूप में वो आ रहे होंगे सूत्र कह रहा है सावधान रहना किसी न किसी रूप में आ रहे होंगे और एक बड़ी सुंदर सी बात प्रारंभ में सूत्र कहता है कि जब हम रात में सोए और कोई सपना देखा रोज व्यक्ति देखता है और देखे कितना रोचक होता है तो जो हमारा जागृत जीवन था जागरण का जीवन सारा खो जाता है सपने की एक अलग दुनिया होती है उसकी अपनी एक अलग रियलिटी होती है सपने की हमारी अपनी परेशानियां अपनी झंझटें और अपने सुख होते हैं कभी देखें कुछ लोगों के सपने बड़े फ्रेगमेंटेड होते हैं टूटे फूटे होते हैं कुछ के सपने बड़े सिलसिलेवार और बड़े ही विस्तार में होते हैं तो वो तो एक अलग दुनिया देखते हैं जैसे कि ये दुनिया और फिर जब वो जागते हैं तो खो जाता है सपनों का सारा जगत और इस जागरण के जीवन में सपनों के उस जगत की कोई भी चीज हमारे हाथ में नहीं होती चाहे हम उसमें कुछ भी कर रहे हो मिल रहे हों लोगों से एक हमारा पूरा संसार बसा हुआ था सपनों में लेकिन अब इस जागरण में वो कहीं पर नहीं है तो हम बस मन मसोस के रह जाते हैं कि वो काश वो भी होता काश ऐसा भी होता होता कुछ नहीं लेकिन जब सपने में जाते तो जागरण का भी तो कुछ काम नहीं आता आप क्या थे क्या नहीं थे आप हो सकता है जागरण में बड़े कमजोर व्यक्ति हों और सपने में आप शेर से लड़ाई लड़ रहे हैं बिल्कुल द्वंद युद्ध शेर से कर रहे हैं या शेर के गले में हाथ डालकर जा रहे हैं और मस्ती है परेशानी कोई नहीं दोस्ती है सारी और जागरण में हो सकता है आप बड़े ही प्रभावशाली और बड़े ही शक्तिशाली व्यक्ति हों आपको राष्ट्र की बड़ी से बड़ी सुरक्षा मिली हुई हो सपने में आप पता चलता है चूहे से भी डर के भाग रहे हैं कोई बचाने वाला भी नहीं प्राण सूख रहे हैं कहीं से कुछ भी आवाज हो जा रही आपकी हालत खराब हो जा रही अब आपका कोई सुरक्षा कवच आपके पास नहीं जो आपके इस जीवन में था लेकिन सपने में सब रियल है तो दोनों स्थितियां इसी रोचक ढंग से यहाँ पर सूत्र कहता है कि ऐसे देखो कितना रोचक है तो किस आइडेंटिटी पर हम इतना गर्व करें सब आइडेंटिटी सारी पहचाने एक किस्म का सपना ही है और फिर यहाँ पर जो दूसरी बात इसी के समानांतर सूत्र लाता है वो और रोचक वो कहता है कि मृत्यु में जन्म खो जाता कहीं नहीं होता और जन्म में मृत्यु खो जाती वो कहीं नहीं होती यानी कि जो है सो है सामने ये सूत्र बड़े ही प्रच्छन्न रूप से यानी हिडन ढंग से हमारे सामने वर्तमान में जीने की कला रखता है जो आर्ट ऑफ लिविंग इन द मोमेंट है वर्तमान की शाश्वत धारा है उसमें जीने की बात कहता है और योग वशिष्ठ के इन सूत्रों में देखिए वही दर्शन पिरोया हुआ है जो ये बताता है कि एक कल्पना है फिक्शन सपना है हमने गढ़ा है अपने अतीत से क्योंकि जब कोई जन्मा तो कहते मृत्यु खो गई उसमें कुछ भी नहीं है शामिल हम खोद खोद के निकालेंगे उसमें से और जब कोई मरता है तो मर जाता है पूरी तरह यह जन्म जीवन सब खो जाता है कुछ भी बचता नहीं कुछ बचा भी नहीं आज तक तो हम क्यों परेशान होते हैं अभी अभी हम जीवित हैं मृत्यु का कहीं भी कोई स्पर्श नहीं है तो इस जीवंतता को हम परिपूर्णता में जिए, इस क्षण में पूरी तरह डूबे वही हमें हमारे स्रोत से जोड़ेगा हमारे आत्म स्मरण से आत्म क्या है वही सोर्स है वही टोटेलिटी वही समग्रता स्मरण क्या है जुड़ना इसीलिए इंग्लिश का शब्द जो है वो बड़ा सुंदर है स्मरण याद करना ये अपने ढंग से बहुत सुंदर है उसमें कहते हैं रिमेंबरिंग रिमेंबर रिमेंबर फिर से जुड़ जाना तो मूल बात है वर्तमान में आइए अगर हम इस जीवन में होकर जीवन के पार की तलाश करेंगे इस पार या उस पार हम कहीं भी कुछ तलाशेंगे तो वो केवल एक कहानी होगी फिक्शन होगा प्रक्षेपण होगा और सार्थक कुछ नहीं उसका कुछ हासिल नहीं कुछ हासिल नहीं उसका जैसे हम जागते हुए सपनों की प्लानिंग करें कि आज सपने में क्या देखेंगे पिछली बार सपने में देखा था तो ये बात आधी रह गई थी इस बार इसको पूरा करते हैं कई लोग ऐसे डिल्यूजन के शिकार हो जाते हैं वो ड्रीम प्लानिंग करते हैं कई किताबें भी ये सिखाती हैं कि हाँ प्लान करके देखो सपना कि अब जा रहे हैं वहां पर ये खाएंगे पिएंगे वहां घूमेंगे तो अगर हमारे विचारों को हमारे मन ने ग्रहण कर लिया तो उनको प्रोसेस करके वो हमको दिखा भी सकता है कोई बड़ी ताजुब की बात तो नहीं देखिए दिन की तमाम बातें कई बार हमारा जो माइंड है प्रोसेस करके हम एक सपने में ढाल देता है अपने अलग ढंग से लेकिन उससे बनता बिगड़ता क्या है कुछ बनता बिगड़ता नहीं सपने में आप बिल्कुल किसी अच्छी जगह पर बैठकर स्वादिष्ट भोजन कर रहे थे बहुत मजा आ रहा था आंख खुल गई खो गया वो अब जो सामने है वही महत्वपूर्ण है तो इसी तरह से जन्म मृत्यु की बात सूत्र कहता है कि जब जन्म यानी जीवन जीवन है तो मृत्यु बेमानी है उसके बारे में सोचने से भी कुछ हासिल नहीं जो व्यक्ति आत्मस्मरण से भर के चल रहा है उसके लिए मृत्यु भी अलग तरह का काम करती है वो वैसा ही काम करती है जैसे हम दिन में दिन में पूरी ऊर्जा से जीते हैं रात में बस सो जाते हैं सोए तो दिन का सब खो गया खो गया तो खो गया अब उसकी हम चिंता भी नहीं करते अगर रोज सोते समय आप ये टेंशन लेने लगे कि ये सब अपनी जगह पर ही रहे तो आपको नींद आने से रही कुछ लोग ले लेते हैं ये टेंशन तो वो अनिद्रा के शिकार हो जाते हैं वो सोचते हैं कि सो गए और सोते सोते कहीं सब बदल गया सत्ता बदल गई परिवार वाले पैक करके कहीं बाहर चले गए अभी अभी तो सब हमने सामान अपना ठीक ठाक रखा था इधर उधर हो गया तो ताला वाला डाल के चाबी अपने खोस के कहीं पर ये छुपा के सोएंगे तो नींद में भी उसका टेंशन बना रहेगा कि कहीं चाबी ही ना कोई लेके चला जाए अनिद्रा तो के शिकार हो जाएंगे तो बहुत सारे लोग अपने इस फिक्शनल वर्ल्ड को बचाने के लिए ऐसे ही परेशान रहते सूत्र कहता है जो खोना है वो खोएगा हर क्षण जीवंत है और पिछला क्षण खो रहा है इस क्षण में पिछला क्षण अब कहीं ढूंढ पाएंगे जन्म मृत्यु को तो दूर जाने दीजिए सूत्र व्यवहारिक प्रायोगिक बात करे ये क्षण अब एक एक क्षण को तो अलग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा सबके लिए अच्छा एक घंटे पहले की बात सोच लें जब हमने इसे सन शुरू किया बैठे थे और आप उसके पहले कुछ करे थे इस क्षण में वो कहां पर है खो गया सब कहीं नहीं है और जब वो क्षण था तभी उस क्षण में ये कहाँ था कहीं नहीं था और ये न वास्तविक है ना अवास्तविक है ना रियल है ना अनरियल है समझे इस बात को अगर हम इतना रियल अनरियल का बिल्कुल कट्टर निर्धारण करेंगे तो हम फिर उलझ जाएंगे तब क्या होगा तब बात थोड़ी मिस्टिकल हो जाएगी उलझ जाएगी लेकिन उसको भी सब सुनना जरूरी है जो क्षण एक घंटे पहले था उस क्षण में भी ये क्षण जो अभी है कहीं ना कहीं घुला मिला हुआ था और जो ये क्षण अभी है इस क्षण में भी वो एक घंटे के पहले का क्षण घुला मिला हुआ है तो एक अर्थ में वो अलग नहीं है लेकिन हमारे लिए तो वो काम का नहीं था क्योंकि हमको तो पता नहीं था तो हमको क्या लेना देना उस बात से व्यवहारिक जो है वो हमारे लिए काम का है इसीलिए रियल अनरियल दोनों को इनकार कर दिया इस सूत्र ने ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये कहना कि जो पिछला क्षण था एक घंटे पहले उसमें यह क्षण था ही नहीं कहीं तो ये भी सच नहीं है और वो पूरा का पूरा था वो भी सच नहीं है क्योंकि ये एक जीवंत प्रवाह था एक जीवंत प्रक्रिया थी जीवन एक जीवंतता है वो अनंत संभावनाओं को लेकर चलती है हमारा जागरण हमारे स्वप्न की गुणवत्ता निर्धारित कर देता है और हमारे स्वप्न की नींद की गुणवत्ता हमारे जागरण की गुणवत्ता को प्रभावित कर देती है ये भी तो एक सच है लेकिन इसको हम रूपांतरित कैसे करेंगे मूल बात यह है कि जब जागरण में है तो पूरी तरह जागरण विश्राम में तो पूरी तरह विश्राम में इस क्षण सामने जो है बस पूरी तरह उसमें बाकी सब जीवन वैसे ही चलता रहेगा और अतीत का हमारा सारा जो संग्रहित डेटा है वही इस संसार को प्रक्षेपित करता है ये बात हम जान लेते हैं तो फिर हमारे लिए कोई उलझन और अड़चन नहीं रह जाती हमारे लिए एक सीधा साफ रास्ता बन जाता है चलने के लिए आत्मस्मरण से भरे हुए पूरी सचेतनता से विशुद्ध वर्तमान में विशुद्ध होने में विदाउट नेम फॉर्म आइडेंटिटी फिक्शन बस और उसी का महत्व है और वही जीवन